शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार के, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुछ भी नहीं किया, उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है, जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। क्या अपराध था मेरा, इतना बड़ा अपराध था कि मेरे घर का कुर्की हो जाए, इतना बड़ा अपराध था। जेल से निकलने के बाद मनोज भैया को लगातार समर्थन मिल रहा है, लोगों को सच्चाई पता चला। मनोज भैया को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का दिल जो है समंदर से भी ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हैं। ज़रा सोचिए, अभी मेरे दरवाजे पे 50,000 से ऊपर लोगों का भीड़ है, कम से कम प्रशासन जितना होना चाहिए, बिहार पुलिस के जितने जवान हैं नहीं है वहाँ। अच्छी है, हनुमान जी है आपके घर पे, सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं, कम से कम इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ली जानी चाहिए थी। यहाँ पे कम से कम 100 पुलिस वाले तो होने चाहिए थे। जाके देखिए बाहर कितना भीड़ है, देखिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं जो है आवाज़ उठाने वाले को दबाया जा रहा है, वो नहीं दबाया जाना चाहिए। और ये आए हैं, मैं तो सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप। मनीष भैया, जिस तमिलनाडु के मामले में, जिस किसान को मारने के मामले में जो है जिसको न्यूज आपने चलाया, उसी मामले में आपको गिरफ्तार किया गया, वो मुद्दा उसके बाद अब तक नहीं खुला कि क्या वाकई में ऐसी घटना हुई नहीं हुई, उसको दबा दिया गया क्या उस पर? देखिए, मैंने न्यूज नहीं चलाया था, मैंने सवाल किया था। वो मामला दब गया, वीडियो हम लोगों ने कहीं नहीं बनाया था, उस सारा मामला को दबाया गया। क्या उस पर फिर से आवाज उठेगा कि नहीं? बिल्कुल उठेगा। जो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे उन लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो बिहार के मजदूरों के उत्थान की बात करेंगे उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। नहीं, अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचा। मनीष जी जेल गए और 8 से 5 महीने के अंदर वो पुल जो है फिर से गिर गया, धंधा आकर गिर गया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर बना, 1750 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले जो है इनके यहाँ उस पर एक्शन लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, इनके घर की कुर्की करवाना उचित समझा, ना इन्होंने मर्डर किया था। और बिहार में 6-6, 7-7 मर्डर करने वाले लोगों के घर की कुर्की नहीं होती है क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी अब नहीं रही, यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। ऐसा करने वाले अपराधी, ऐसा करने वाली जो भी शक्तियाँ हैं वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही है, और इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। और बहुत चीज़ें हम क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि हम आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। और मनीष की ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। आप जेल आ रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल पाए, कोई क्यों नहीं मिलने दिया गया था आपको? अब यही तो बातें हैं जो बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए। मैं मनीष से जिन परिस्थितियों में मिलने जा रहा था, मिलना आवश्यक था, मैंने पत्रकार को समाचार देने के लिए, न्यूज देने के लिए NSA लगाया जाना हम तो पहली बार सुने। तो हम इसलिए खड़े हैं कि अब मनीष कश्यप कोई एक मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आंदोलन है और उसको थमने नहीं दिया। संविधान में फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाती है और नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूबर हम, मैं भी हूँ, आप सब हैं, अब फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाए और आप लोग आवाज उठाइए, लेकिन उसी चीज को बिहार में दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे, इसलिए तो हम आज 20-25 घंटे की यात्रा करके इस गाँव में है और मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है। और आपने वीडियो में कहा था कि जो आपसे मनीष कश्यप मुलाकात की थी, मैं आपके घर आऊंगा, आपके घर को देखूंगा, आप उनके घर को देख के भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज़ निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का, ये खपड़ा, ये टूटे हुए खपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है
ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष मनीष कश्यप जी, एक एक डेढ़ डेढ़ पचास पचास हजार रुपए के लाख रुपए जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते हैं, लेकिन अपने घर पर टाइल मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं। फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़िए, एक माँ जो बेबस थी, जो रो रो कर जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े। नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जिन लोगों शायद आप उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने दो बेटे रूप को पाया है और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए हो, समझ रहे हैं, और उस अत्याचार का अंत होगा। जी देखिए मेरा भाई है, एक मिनट, मेरा भाई है, ये बैंक में नौकरी करता था, इधर आ जाओ करण, ये बैंक में नौकरी करता था, इसको मतलब कि मेरे काम से कोई मतलब नहीं था, इसका नौकरी छूट गया था, इसका नौकरी छूट गया। ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करना, कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं। मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए। कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था, या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई इन लोगों की सरकार जो आजकल बिहार में है, तो इन्होंने वहां एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया।